डेविस रोड नाबीना अफराद जो हैं वो आज भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना उन्होंने दिया हुआ है और वो बंद है। तो उसकी उसको आप ये देखेंगे जो पूरे माल रोड पे ट्रैफिक का कितना वॉल्यूम होता है, ये सारा वॉल्यूम जो है इसकी सराउंडिंग में डिवर्ट हो रहा है। अब कर हम क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो कैंट की तरफ से मियामीर ब्रिज की तरफ से जितनी ट्रैफिक आ रही है उसको डिवर्ट कर रहे हैं जेल रोड की तरफ, और फिर पुलनर माल से ही जिन लोगों ने धर्मपुरा की जानिब जाना है उनको वहाँ से उस साइड पे निकाल देते हैं। एक तो ये, इसका मतलब ये हुआ कि पुलनर माल एक मेन जगह आ गई जहाँ पे एक जंक्शन ऐसा जहाँ पे ट्रैफिक का हर तरफ से लोड होता है, और जो ट्रैफिक आ रही है धर्मपुरा की तरफ से उसको हम माल रोड पे जाने की बजाय आगे भिजवा रहे हैं जेल रोड पे, ठीक है। वो जेल रोड से फिर मुख्तलिफ रास्ते अपनाते हुए वहाँ जाती है, फिर जो जेल रोड से आ रही है पुलनर माल की तरफ उसको हमारी कोशिश ये है कि हम नीचे से निकाल दें, और जब नीचे ज़रा प्रेशर हो जाता है फिर हम ऊपर भी ले आते हैं, और वो सारी जाती है आगे जाके सुल्तान पुली धर्मपुरा इस साइड पे। अब जब ये धर्मपुरा या सुल्तान पुली पे आती है तो जिस ट्रैफिक ने सेक्टर पुलनर माल से सेक्टेरियट जीपीओ इस साइड पे आना है, अंडरस्टूड है कि वो वहाँ से सुंदरदास चौक की तरफ टर्न लेगी, और जो दबाव आएगा वो सुंदरदास चौक पे ये सुल्तान पुली पे पुलनर माल रोड पे पुलनर जेल रोड पे इधर ये सारा इस साइड पे लोड आ जाएगा। एक बात, दूसरा लोड जो आएगा जो ट्रैफिक आ रही है फ्रॉम जीपीओ पीएमजी चौक की तरफ से डेविस चौक जिसने क्रॉस करना है, ये सारी ट्रैफिक हम लोग कर रहे हैं कि पैलेस कैंट गेट पैलेस जो गवर्नर हाउस वाला चौक है वहाँ से हम उसको लेफ्ट टर्न करवा रहे हैं। अब ये भी लेफ्ट टर्न जाके सुंदरदास चौक पे ही जाती है जो दोनों आके वहाँ पे जमा हो रही हैं। आज मैं बहुत देर जो है पुलनर माल रोड पे खड़ा रहा। हाँ, आप बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं, बहुत सारे लोग पूछते थे, परेशान थे, तो हम लोग मैं खुद भी जो है उनको ब्रीफ कर रहा था कि पूछ रहा था कि जी आपने कहाँ जाना है, फिर उस हिसाब से उनको बता रहे थे कि आप इधर निकल जाएं आप इधर निकल जाएं, और इसी तरह हमारे जितने वार्डन थे वो ये कर रहे थे। और मेरी रिक्वेस्ट भी यही है कि मौके की मुनासिबत को समझते हुए जहाँ कहीं भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो शहरी ये हमारी प्रॉब्लम समझें कि हम कोई शौक से नहीं कर रहे, हमारा कोई अपना उसमें फ़ायदा नहीं है, हम लोग आप लोगों की मदद करने के लिए आपको अपने मुकाम तक डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए यहाँ खड़े हैं और आप ही की हेल्प के लिए खड़े हैं।